हेलो भाइयों, मैं अरमान। तो भाई सामने अपना खड़ी है रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 और इसको प्रोवाइड करवाने के लिए मैं थैंक्स करना चाहता हूँ कोठारी ऑटोमोबाइल जो कि बंडनगर में इनकी डीलरशिप है। अगर आपको भी बुलेट वगैरह बुक करवानी है तो इनके डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर्स वगैरह दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सामने जो अपने खड़ी है बुलेट, ये इसका मिड वेरियंट है स्टैंडर्ड और इसमें बहुत सारे वेरियंट्स देखने को मिलते हैं और उसी के साथ साथ इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। और सामने जो आप कलर देख रहे हो ये इसका मेहरून कलर है। इसके प्राइस की अगर बात करें तो 1,99,000 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस है, अराउंड 2 लाख रुपीज़। तो बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से, तो जो इसका हेडलैम्प है उसके ऊपर आपको सिल्वर की फिनिश देखने को मिल जाएगी और हेलोजन में इसका जो बल्ब है वो देखने को मिलेगा हाईलो का जो है। और इसमें आपको पार्किंग लाइट्स ऐसे ऊपर मिल जाते हैं और नीचे अगर बात करें तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि हेलोजन बेस्ड है। और पूरी बाइक जो है भाई लोहे से बनी हुई है और बुलेट इसीलिए जानी जाती है, मतलब पूरी मेटल की बनी हुई होती है। यहाँ पर प्लेट नंबर की पोजीशन, भाई रॉयल एनफील्ड बुलेट जो है ना वो काफ़ी सालों से इंडियन मार्केट में राज करती हुई आई है और अभी भी जो इसकी जनरेशन रॉयल एनफील्ड निकालता रहा है और ख़ासकर स्टैंडर्ड वाली। और इसका अगर आप फ्रंट मडगार्ड देखो तो वो भी मरून कलर में है और फुल्ली जो है मेटल में जो है बाइक आने वाली है। और इसके फ्रंट टायर्स की अगर बात करें तो भाई ऐसी कुछ इसकी फ्रंट टायर है। यहाँ पर आपको बड़ा सा डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है और भाई इसमें आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिलता है और फ्रंट और रियर दोनों में इसमें आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा। और इसके टायर साइज़ प्रोफाइल की अगर बात करें तो भाई इसमें आपको मिलता है 19 इंचेस का जो इसका फ्रंट टायर देखने को मिलता है। और भाई इसमें ना आपको अलॉय व्हील नहीं मिलता है क्योंकि भाई इसको ओल्ड स्कूल लुक देने के लिए बाइक में आपको नॉर्मल व्हील देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको इंजन प्रोटेक्टर गार्ड मिल जाता है और काफ़ी हेवी लग रहा है। और इंजन की अगर बात करें तो भाई 350 cc का इसमें इंजन मिलता है और 20 BHP की पावर निकालता है, 27 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है और काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस इसके इंजन में मिल जाती है। और ऑयल वाले इसमें आपको ब्रेक मिल जाते हैं और डुअल चैनल ABS इसमें मिलता है जिससे काफ़ी बढ़िया ब्रेकिंग हो जाती है पावर के हिसाब से। यहाँ पर आपको ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाती है। और इधर बात करें तो यहाँ पर बुलेट 350 की बेजिंग मिल जाती है। और इधर अगर बात करें इसके फ्यूल टैंक पर तो रॉयल एनफील्ड की यहाँ पर बेजिंग मिल जाती है और पूरी ही ओल्ड स्कूल वाली फीलिंग जो इस बाइक में आती है। और हैंडमेड यहाँ पर आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं और E20 की यहाँ पर बेजिंग मिल जाती है एथनॉल वाली और ऐसा कुछ इसका सिल्वर फिनिश में फ्यूल फिलर कैप देखने को मिल जाता है। ऐसे इसके सिल्वर फिनिश में ORVM देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी वाइब देते हैं बढ़िया वाली। बात करें रियर की तो यहाँ पर भी आपको वही मिल जाता है डिस्क ब्रेक और काफ़ी बढ़िया इसमें आपको सस्पेंशन मिल जाता है और गार्ड वगैरह भी बिल्कुल दिए गए हैं। पार्किंग वगैरह काफ़ी बढ़िया होने वाली है इस बाइक की और ऐसा कुछ इसमें साइलेंसर मिलने वाला है क्रोम फिनिश के साथ में। और रियर की अगर बात करें तो यहाँ पर सीट गार्ड मिलने वाला है। और नीचे अगर बात करें तो भाई यहाँ पर इसका जो टेल लैंप है वो आपको हेलोजन बेस्ड मिलेगा और ऐसे कुछ इसके इंडिकेटर्स मिलने वाले हैं। और यहाँ पर रॉयल एनफील्ड की बेजिंग और अगर नीचे देखो तो यहाँ पर प्लेट नंबर की पोजीशन आपको मिलने वाली है। और काफ़ी ब्रॉड मस्कुलर सा जो इसका पीछे का व्यू आने वाला है जो कि इसका टायर काफ़ी चौड़ा सा है पीछे से। और इस साइड की अगर बात करें तो ऐसा कुछ व्यू है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर आपको ग्रिल मिल जाती है। और रियर टायर साइज़ की अगर बात करें तो 18 इंच का इसमें आपको रियर टायर मिलने वाला है। और अगर पैरदान देखो तो ऐसे कुछ इसमें पैरदान देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बुलेट 350 की बेजिंग मिल जाती है, यहाँ पर हैंडल मिल जाता है। और नीचे अगर देखो तो ऐसा कुछ इसका नीचे का व्यू है, ऐसा इसमें आपको स्टैंड मिलने वाला है साइड स्टैंड जो कि काफ़ी हैवी फील होता है। और 5 स्पीड का इसमें गियरबॉक्स देखने को मिलता है और काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस जो इस बाइक की रहने वाली है। और सीट्स की अगर बात करें तो काफ़ी बढ़िया सीट्स का कंफर्ट रहने वाला है, कुशनिंग वगैरह काफ़ी बढ़िया है सीट की। और ऐसा कुछ इसका साइड प्रोफाइल का व्यू है। अब बात करते हैं भाई इसके, बात करें इसके कुछ फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको हेडलैम्प के कंट्रोल्स मिल जाते हैं और भाई इसमें आपको हज़ार्ड का फीचर भी देखने को मिलता है, मतलब चारों इंडिकेटर भी इसके जलने वाले हैं। और नीचे आपको हॉर्न का स्विच देखने को मिल जाता है। उस साइड की अगर बात करें तो इधर मिल जाता है भाई इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। और अगर इसका मीटर कंसोल अगर आप लोग देखो तो ऐसा कुछ इसमें आपको मीटर मिलता है। इसकी की को एक बार लगाते हैं और देखते हैं इसको ऑन करके, तो भाई यहाँ से लगाते हैं इसकी की को और ऐसी कुछ इसमें की मिलती है। तो भाई पूरी सुई ऊपर जाती है और इसमें आपको एनालॉग टाइप का मीटर देखने को मिलता है जिसमें आपको सारे इंडिकेशंस मिल जाते हैं न्यूट्रल गियर वगैरह की और बैटरी हेल्थ और इंजन लाइट वगैरह आपको इसमें मिल जाती है। नीचे आपको छोटी सी MID देखने को मिल जाती है जिसमें आपको फ्यूल वगैरह की रेंज मिल जाती है। पहले वाली में आपको फ्यूल वगैरह नहीं दिखाती थी लेकिन इसमें आपको फ्यूल वगैरह भी अब दिखाने वाली है, टाइम वगैरह दिखाएगी और नीचे आपको सब मतलब छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दिखाने वाली है। और यहाँ पर भी आपको रॉयल एनफील्ड की बेजिंग देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर इसका फ्यूल फिलर कैप और इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर बात करें तो भाई इसमें मिलती है आपको 13 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी। अब इसका मैं आपको एग्जॉस्ट साउंड सुनाता हूँ एक बारी। इस साउंड में आपको थंप मिलने वाला है और काफ़ी तगड़ा साउंड
वाली के मुकाबले जो हालांकि इसका साउंड हल्का है, लेकिन ये भी आपको जो है काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है, थंप वाला साउंड मिलने वाला है। तो इसको करते हैं यहाँ से ऑफ। तो कैसा लगा आपको साउंड बुलेट 350 का, कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।